दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी, अमित शाह को गांधीनगर, राजनाथ सिंह को लखनऊ, स्मृति ईरानी को अमेठी, धर्मेंद्र प्रधान को ओडिशा के संबलपुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर या गुना, शिवपुरी, शिवराज सिंह चौहान को भोपाल या विदिशा और संबित पात्रा को ओडिशा के पुरी से टिकट दिया जा सकता है। और ये सीटें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर वर्चस्व इन नेताओं का कायम है और कहीं ना कहीं लोगों का भरपूर सहयोग, भरपूर प्यार और बम्पर वोट जो है इन लोगों को मिला हुआ है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर इन सीटों से ये लिस्ट जारी होगी और इन सीटों से इन ये तमाम जो है वो दावेदार बनाए जाएंगे तो वाकई इनका जीतना जो है वो तय हो सकता है। हालांकि ये तो जनता को तय करना है कि किसको जिताना है या नहीं जिताना है, लेकिन कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं दिखाई देती नहीं नजर आ रही है। अगर पिछले 2019 के चुनाव में हम देखें तो